I hope you all are doing great. In this video we will see, uh, we will review Amazon Seller Central, uh, especially this video for beginners, जो भी नए लोग Amazon की field में as a service provider आ रहे हैं, जो भी even uh, कहीं से course complete करके आ रहे होते हैं, even some uh, student don't have uh, practical experience और उन्होंने Seller Central को review नहीं किया होता। सो so, आज की वीडियो में हम अमेज़ोन के सेलर सेंटर का एक ओवरव्यू करेंगे क्विकली कि अमेजन के सेलर सेंटर में क्या क्या फंक्शन होते हैं हमें जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आपने आप सेलर सेंटर को खोल लेना है गूगल पर आकर मैं सेलर सेंटर को ओपन कर लेता हूँ मैं एक्सेलर सेंटर खोल लेता हूँ उसके ऊपर आपको लेके चलता हूँ और रिव्यू करते हैं ओ रिसीव नहीं हो रहा तो अगेन इसको सेंड कर देते हैं एक नॉर्मली ये इशू काफ़ी टाइम से आ रहा है पाकिस्तान के अंदर इस्पेशली ओ टी नॉर्मली रिसीव नहीं हो पा रहे लेकिन अभी आ गया मुझे सो so, हम अपना सेलस सेंटर को खोल रहे थे ओ रिसीव नहीं हो रहे, है इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट क्रिएट किया है आप मेरे चैनल पे वो भी जाके देख सकते हो और भी बहुत सारे इसके रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं मैंने यहाँ अपना सेलर सेंटर खोल लिया ठीक है Uh, सबसे पहले सेलर सेंटर के ऊपर आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर आपकी टोटल सेल वाला बॉक्स मिल जाता है या मार्केट प्लेसेज मिल जाती हैं अगर आपने डॉट कॉम यूनाइट uh, स्टेट में अमेजान अपना सेलर सेंटर है तो आपको तीन मार्केट उसके साथ मिल जाती हैं कैनेडा और मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है यहाँ पर आपको ओपन ऑर्डर्स नज़र आ जाते हैं जो भी आपके ऑर्डर बाय बायर मैसेजेस आ जाते हैं बाय बॉक्स में आ जाता है टोटल बैलेंस और आई और ग्लोबल प्रोमोशन ये सारी चीज़ें ऊपर uh, नज़र आ जाती हैं आपको उसके बाद यहाँ पर आप थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सबसे पहले आ जाता है कैटलॉग का ऑप्शन जिसके अंदर ऐड प्रोडक्ट यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करते हैं यहाँ से फ्लैट फाइल के थ्रू ऐड हो जाती है और ये कुछ दो थे कॉमन जो कि काफ़ी यूज़ होते हैं इनको डिस्कस कर लिया मैनेज इन्वेंट्री में आपके पास अपनी जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट लेस मैनेज और इन्वेंट्री में वो आपको मिल जाती हैं ठीक है शिपमेंट में आपने जो शिपमेंट प्लान्स क्रिएट किए हुए हैं वो मिल जाते हैं आपको सारे और अब प्राइसिंग में आप प्राइसिंग हेल्थ मैनेज प्राइसिंग ऑटोमेट प्राइसिंग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ऑर्डर्स में आप अपने ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं अगर कोई एम सी एफ़ एम सी एफ़ का अगर आपको नहीं पता इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर कहलाते हैं ये ये अमेज़ोन एक ऑफ़र करता है कि आपको आ, अगर आपके पास आप फुलफिलमेंट की सर्विसेज नहीं ले रहे आपकी अपनी वेबसाइट है तो आप अमेजोन से फुलफिलमेंट की सर्विसेज ले सकते हैं मल्टी चैनल फुलफ़िलमेंट के थ्रू ठीक है और यहाँ पर आपको एडवर्टाइज़मेंट जो कि मेन जहाँ पे आपकी कम्पेन सारी क्रिएट कम्पेन मैनेजर में आपको कंपेन सारी नज़र आ जाती हैं क्रिएट करने का भी यहीं से आता है ए प्लस कंटेंट आ जाता है या वाइन प्रोग्राम में ऐड करने की डील्स आ जाती हैं कोपन्स आ जाती हैं ये सारी चीज़ें आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाती हैं स्टोर में आपको ये मैनेजर स्टोर का मिल जाता है ग्रोथ मिल जाती है इसके अंदर सारी चीज़ें रिपोर्ट्स में आप देख लेते हैं बिजनेस रिपोर्ट्स मिल जाती है आपको ठीक है इन्वेंटरी uh, रिपोर्ट्स के अंदर आपको कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट्स इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं बाकी कोई ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है ये चार पाँच ऑप्शन इसके इम्पॉटेंट है और उसके बाद यहाँ पर आपको uh, आपके सेलर सेंटर का नाम मिल जाता है मार्केट मिल जाती है यहाँ से मार्केट भी चेंज की जा सकती है ठीक है उसके अलावा आपको जहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन में अकाउंट इन्फो में आपकी अकाउंट की इन्फ़ो मिल जाती है सारी और उसके बाद सारी जो जो आपने अगर इंडिविजुअल डिटेल पर तो इंडिविजुअल अकाउंट की इफॉर्मेशन आ जाएगी अगर एल एल सी पर तो एल एल सी इन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ से टैक्स की सारी सेटिंग्स हो जाती हैं अगर आपको किसी को चाइल्ड एक्सेस सेंड करना हो तो यूज़र परमिशन और यूज़र परमिशन आपने यूज़र परमिशन पर चले जाना है इसमें जाकर आपने उस अपने वर्चुअल असिस्टेंट या जिस किसी को भी आप चाइल्ड अच्छा एक्सेस देना चाहते हैं उसको उसकी ईमेल आपने ऐड कर देनी है देन यू विल गिव अ परमिशन फ्रॉम देयर ठीक है आप वहाँ से उसको परमिशन दे सकते हैं उसके बाद जब वो एक्सेप्ट कर लेता है आपका इनविटेशन तो इस तरह से यहाँ पर आपको चाइल्ड एक्सेस दिया जाता है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता है हेल्प में आपको केस uh, आप क्रिएट कर रहे होते हैं अमेज़ोन के साथ तो हेल्प से वो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं में जब आप आ जाते हैं तो लोड हो जाए आपको दिखाते हैं यहाँ से केस लॉग में चले जाते हैं आप यहाँ से ओपन नया केस कर लेते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ हेल्प में मिल जाती हैं ठीक है आई थिंग तकरीबन ऑलमोस्ट जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो हो गई हैं यस yes, यहाँ पर आपको सारी इसकी डिटेल मिल जाती हैं आप पढ़ भी सकते हैं हर उसकी हर ऑप्शन की आपको डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं होती हैं इस तरह का सेलर सेंटर नज़र आ रहा होता है इस तरह के ऑप्शन होते हैं सेलर सेंटर में जो भी नए लोग हैं जो बिगनर्स हैं उनको इस वीडियो से ऑब्वियसली हेल्प होगा जिन्होंने सेलर सेंटर को पहली बार देखा है उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है जिन्होंने पता है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है सो so, ये सारा सेलर सेंटर पे ऑप्शन होते हैं ये इंपॉर्टेंट सारे ऑप्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं इसके अलावा नंबर भी दिया जाएगा वहाँ पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़